पापा। एक मिनट, बॉस की कॉल है। जी बॉस। काश जल्दी से काम पर पहुंचो। लेकिन बॉस आज तो इतवार है, आज तो छुट्टी है। इतवार है तो क्या हुआ, जल्दी काम पर पहुंचो। जी बॉस मैं आता हूँ। पापा आपसे एक सवाल पूछूं? बेटा जल्दी पूछो, मैंने काम पे जाना है। आप रोज ऑफिस क्यों जाते हैं और अपने बॉस से इतना क्यों डरते हैं? आज तो संडे है और आज भी आप ऑफिस जा रहे हैं। बेटा ऑफिस नहीं जाऊंगा तो बॉस मुझे काम से निकाल देगा। पापा क्या आप अल्लाह से नहीं डरते? आप तो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तो आपको अपने घर से नहीं निकालता। नौकरी तो एक बहाना है और जितना रिस्क अल्लाह ताला ने हमारे हक में निकाला है वो हमें मिल के ही रहेगा। बेटा आप ठीक कह रहे हो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तेरा ये नाफरमान बंदा भूल गया था। आइंदा से मैं सारे काम छोड़ के तेरी इबादत करूँगा, और मैं भूल गया था कि रिज़्क देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लाओ बेटा मैं नमाज पढ़ूँ। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करना और कमेंट में आमीन लिखना। सुनो आके अपनी अपनी दिहाड़ी ले लो। ला शुकुरे है जात तेरा, ला मंजूरे ए हजार तेरा, अपोले ए 500 तेरा। साहब मैं उन दोनों से ज्यादा काम करता हूँ, उनको 1000 1000 और मुझे 500। ये भी लेना है तो लो वरना मुझे वापस कर दो। साहब आप एक मजदूर का हक खा रहे हैं, अल्लाह आपसे हिसाब जरूर लेगा। ये ले अपना 500 और ज्यादा अमीर हो जाए। जाओ जाओ, बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे। यार क्या करूं, मालिक से भी गुस्सा करके आ गया हूं और घर में भी पैसे नहीं है। ऐसा करता हूं मालिक के पास फिर चला जाता हूं। बेटा तुम्हारे पापा कहां गए? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही कमाई होती रही ना तो हम एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ क्या हुआ पापा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अली बेटा ये पैसे इस बंदे को दे देना। कोशिश करें कि किसी गरीब का हक ना खाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करना।